मेरा जो इन्वेस्टमेंट पिक आज है वो एविएशन सेक्टर से जुड़ा हुआ है और कंपनी का नाम है ड्रीम फोक सर्विसेज लिमिटेड। ये इंडिया की एकमात्र कंपनी है तो जो लॉन्च फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है, और जैसे जैसे एविएशन सेक्टर में ग्रोथ हो रहा है हमको लग रहा है कि इस कंपनी को ट्रैक्शन काफी ज्यादा मिलेगा। इनफैक्ट जो सेकंड हाफ होता है अनिल जी, अक्टूबर टू मार्च, वो काफी पिकअप सीजन होता है एविएशन के लिए, तो हमको लग रहा है कि सेकंड हाफ कंपनी के लिए काफी बेहतरीन आएगा। ऑलरेडी पिछले साल की बात करें तो 1135 करोड़ पे इन्होंने करीबन 69 करोड़ का प्रॉफिट किया था। एक सर्विस मॉडल है और जिस प्रकार से अभी ये रेलवेज में भी उतर रहे हैं, मेरे ख्याल से रेलवेज में भी इनके काफी करार हो चुके हैं, तो मुझे लग रहा है कि अगले साल कम से कम 80 से 85 करोड़ का प्रॉफिट आने की उम्मीद है। और यहाँ से भी मुझे लगता है कि अच्छी खासी कमाई आपको ड्रीम फोक सर्विसेज में मिलेगी। करीबन मैं समझता हूँ यहाँ से भी 20-25% की अपसाइड पॉसिबल। लॉन्गर टर्म में एयरपोर्ट का जो बिजनेस है वो काफी सस्टेनेबल बिजनेस है और इसमें फ्रेश कंपटीशन आने की संभावना भी कम है, तो मेरे ख्याल से जेएमआर एयरपोर्ट्स में जिनको लंबी अवधि के लिए पोजीशन लेनी है, मैं समझता हूँ कि ये न्यूज तो पॉजिटिव है ही, बट ओवरऑल अगर इनका जो एयरपोर्ट का मैनेजमेंट की अगर हम बात करें, ओवरऑल पोटेंशियल की बात करें अगले 2-3 साल की, तो जैसे एविएशन बढ़ेगा एयरपोर्ट्स और बड़ी मात्रा में लगेंगे, और ये काफी बड़ी मात्रा में ऑलरेडी बड़े प्लेयर है इस स्पेस में, तो इसको डेफिनेटली मीडियम टू लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में ऐड करने की गुंजाइश रहेगी। डेफिनेटली अगले साल 1.5 साल में जैसे नंबर्स इंप्रूव होंगे आपको और थोड़ी रीरेटिंग स्टॉक में देखने को मिलेगी। इनफैक्ट दीपांशु देखिए, मेरे ख्याल से ये स्कीम कंपनी ने इसलिए अनाउंस की है क्योंकि मार्केट में ये काफी वेल नोन है कि कार सेल्स में थोड़ी सी स्लो डाउन आ चुकी है, इन्वेंट्रीज डीलर्स के बाद काफी बड़ी है, तो ये जो डिस्काउंट दिया है ये पर्पसली थोड़ा सा बूस्टअप करने के लिए दिया है। मेरे ख्याल से कंपनी भी जानती है कि अगर इनको ये इन्वेंट्री डीलर्स के यहाँ से निकालनी है और थोड़ी सी हल्की करनी है तो प्राइसिंग में थोड़ा सा इनको बेनिफिट कस्टमर्स को देना है। हालांकि ऐसा नहीं है कि अभी भी गाड़ियां बिकती नहीं है, लेकिन जो माहौल 6-8 महीने या साल भर पहले का था जब सप्लाई क्रंच था और कंपनीज बड़ी मात्रा में कार बिकती थी, प्राइसिंग भी अच्छी थी, अभी प्राइसिंग कम करने से कंपनी का मानना है कि शायद वॉल्यूम ग्रोथ पिकअप होगा, तो मेरे ख्याल से ये एक अच्छी स्ट्रेटेजी है क्योंकि इससे क्या होगा कि इनकी वर्किंग कैपिटल में थोड़ी सी इंप्रूवमेंट आएगी और ऑब्वियसली जो अनसोल्ड इन्वेंट्री है वो मार्केट में बिक जाएगी, तो मेरे ख्याल से डेफिनेटली अच्छी स्ट्रेटेजी है, कोई पैनिक स्ट्रेटेजी नहीं है, लेकिन हाँ डेफिनेटली इसमें मार्जिन में थोड़ा सा हिट कंपनी जरूर लेगी क्योंकि प्राइसेस अगर कम करती है तो मार्जिन जो पहले मिलते थे वो मार्जिन शायद अभी इनको नहीं मिले, लेकिन वॉल्यूम का बेनिफिट इनको जरूर मिलेगा, तो मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए स्ट्रेटेजी काफी अच्छी है, इसमें कोई डाउट नहीं। अनिल जी, जो आज की 10 की कमाई का स्टॉक है वो एक सीमेंट कंपनी है और हमें हेडलबर्ग सीमेंट काफी पसंद है। देखिए पिछले साल इस कंपनी ने काफी बेहतरीन नंबर दिखाए थे, मार्च 2024 के लिए 2300 करोड़ पे 167 करोड़ का प्रॉफिट किया था। सबसे बड़ी बात, कंपनी ग्रीन एनर्जी पे ज्यादा फोकस कर रही है, करीबन 8 मेगावाट की सोलर कैपेसिटी लगा रही है और इनका मानना है कि अगर पावर कॉस्ट ये कम करते हैं तो मार्जिन में काफी अच्छा इजाफा होगा। मेरे ख्याल से इस कंपनी को जरूर आपको एक बार देखना चाहिए क्योंकि डिविडेंड पॉलिसी भी इनकी काफी अच्छी है, एमएनसी कंपनी है, 8 रुपए का डिविडेंड भी दिया है और अभी फिलहाल ऑलरेडी उन्होंने कहा है कि 20 से 25% डी बॉटलनेकिंग से इनकी कैपेसिटी भी बढ़ेगी, तो मेरे ख्याल से करंट प्राइस काफी अट्रैक्टिव लग रहा है। अगर नजरिया आपका 6 से 12 महीने का है तो मुझे लग रहा है कि करीबन 290-300 का एक फेयर वैल्यू जरूर बन सकता है, अभी प्राइस करीबन 231 है, तो 300 रुपए के स्टॉक के टारगेट प्राइस के हिसाब से इसमें डेफिनेटली आप पोजीशन एक्युमुलेट करें।